दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर बूंदी शहर से आ रही है। खबर यह है कि मौलाना मुफ्ती नदीम साहब को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इनको इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि इन्होंने नपुर शर्मा के मामले में एक बयान जारी किया था। मैं अभी आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ, इसलिए आप पहले इस बाबा की वीडियो देख लीजिएगा। इस बाबा को आप जानते ही होंगे जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, ये सीधा मुसलमानों पर अटैक कर रहा है। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं। तुम मुझे गाली दो बर्दाश्त है, तुम मेरे वालिदैन को गाली दो बर्दाश्त है, तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो बर्दाश्त है, लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो। मौलाना साहब को पुलिस ने अरेस्ट किया गया, ये खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। नपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना मुफ्ती नदीम को राजस्थान बूंदी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब आप इस बाबा की वीडियो को देख लीजिएगा। आज घोषणा करता हूँ, यदि फास्ट ट्रैक में सुनवाई करके इन दोनों दरिंदों को फांसी नहीं दी गई, तो मैं कानून को हाथ में लूंगा और मेरे साथ में 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ मिलेंगे और भारत को जिहाद मुक्त करेंगे। इसलिए सारे मुसलमान जितने भी मुसलमान हैं, इनको पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गया है वहाँ चले जाएं, और नहीं तो हम हिंदू इनको वही सजा देंगे जिस तरह से जिस भाषा को ये समझते हैं। मैं स्वयं इसका बदला लूं। ये वीडियो आपने देखा होगा। मौलाना मुफ्ती नदीम ने कहा पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया, हम पुलिस का समर्थन करते हैं कि इस तरह से कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दे सकता, कानून के खिलाफ है। लेकिन आप इस बाबा की वीडियो को आपने देखा है, ये बाबा किस तरह से मुसलमानों को भड़का रहा है, उनको मारने काटने की बातें कर रहा है, कानून अपने हाथ में लेने की बातें कर रहा है। तो क्या ये बाबा फिर फूल बरसा रहा है? अभी तक इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है?